उठना पड़ेगा तुम्हें। उठना पड़ेगा। बढ़िया सीन था। ऐसे मत देखिए मामी जी, ये सारे लोग यहाँ एंजॉय करने आए, खेलने कूदने आए, नाचने गाने आए, हमारी तरह ये सोचने नहीं आए कि गुंडे बदमाशों से कैसे छुटकारा पाया जाए। मार ले ताने, तू भी ताने मार ले भांगे। अगर वहां होते ना तो या तो हमारा काम तमाम हो गया होता, या तो बंदूक की नोक पर तेरी शादी हो चुकी। रिश्ता करने से पहले तो सोचा, अबे जिसके लिए भागे हैं वो इसे यही मिल जाएगी। पहचानने की बिल्कुल तमीज नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रही है। अगर मुझ में तमीज होती तो मैं इससे शादी करता। तमीज बंद करो, अपने घर की मावारत बंद करो। मेरे गले में फांसी का फंदा पड़ा और आप दोनों की शुरू हो जाते हो। अरे ये तो सोचो कि मेरा होगा क्या। कैसे सोचूं? ये औरत मेरे सामने हो कि मेरा दिमाग बंद हो जाता है। लगता है इससे दूर जाकर ही सोचना पड़ेगा। हाँ जा। यहाँ नोट पर नोट खर्च हो रहे हैं और दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। I know when you went over there. Uncle, I'm so sorry. No problem. Stupid. सुनो मेरे पास गुंगरू, तुम्हें जब भी कोई लड़की चांटा मारे तो समझ लेना कि वो एक नेक और शरीफ खानदान की। अभी से ये नहीं पता तो यही तो वो डॉन की बेटी है, उदय शेट्टी। और बेटी कह रहा हूँ बहन। राजीव, राजीव, अरे कैसा आइडिया मिला है कि वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या? हाँ, एक ऐसी लड़की मिली है जिसकी हमें बरसों से तलाश थी। छोड़ो यार। अरे तो फिर आपने मेरे लिए नई मुसीबत ढूंढ ली। अरे लड़की मुसीबत नहीं है, मुसीबत का हल है, समझा? एक काम कर, तू उसके दिल में अपने प्यार का दीप जला दे और उससे शादी कर ले। मैं शेट्टी से दो हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा। शेट्टी साहब, मैं तो अपने भांजे की शादी तुम्हारी बहन से करवाना ही चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा भांजा एक नंबर का कमीना निकला। उससे 3 महीने पहले ही मुझे बिना बताए शादी कर ली। अब कोई कितना भी बड़ा डॉन क्यों ना हो, एक शादीशुदा लड़के से अपनी बहन की दूसरी शादी कराएगा क्या? अरे तू लड़की तो देख, तू देख। मामा जी मुझे नहीं देखना कोई लड़की वड़की। मामी जी आप तो जानती है क्यों नहीं देखना चाहता, समझाती क्यों नहीं? बेटा मैं इन्हें कैसे समझाऊं? नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे नहीं देखना। लड़की दे।
ये पसंद आ गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत ही शरीफ और नेक खानदान की है ये। मजनू भाई, अगर आपकी ये तस्वीर संजना बहन ने देख ली ना, तो आपका कैरेक्टर भी ऐसे ही नंगा हो जाएगा। अबे ओ, तू संजना बहन की टेंशन मत ले। अरे हवा पानी बदलने आए हैं, ऐश करने हैं, 8-10 दिन इनके साथ एंजॉय नहीं करेंगे तो ये कैसे गाएंगी? परदेसी परदेसी जाना नहीं, हमें छोड़ के हमें छोड़। क्या शेर है? ओके भाई लोगो, रिएक्शन वीडियो होती है कंप्लीट और काफी मजेदार सीन थे वेलकम मूवी के, है ना, जो आपने और मैंने साथ में एंजॉय करा सीन्स पे। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम ऐसे ही नए रिएक्शन वीडियोस लाते रहते हैं मूवीज के सीन पे और नए नए ट्रेलर्स पे। सो मिलते हैं अपनी नई रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।